सैमसंग की तरफ से वन यूआई 7 अपडेट को लेकर कुछ नई इन्फॉर्मेशन है वो सामने निकल के आ रही है। सैमसंग के कुछ स्मार्टफोन के लिए आपको अपडेट है वो डिले देखने को मिल सकता है और कौन से स्मार्टफोन के लिए आपको बीटा अपडेट मिलेगा आगे हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो आपको ये अच्छी लगती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्यूचर में भी आपको इसी प्रकार से वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। तो गाइस एक नया शेड्यूल है वो यहाँ पर सामने निकल के आया है, इसके अंदर हमें पता ये चलता है कि जो सैमसंग की S24 सीरीज है उसके लिए आपको वन यूआई 7 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 का ऑफिशियल फर्स्ट बीटा अपडेट है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। और सेकंड सैमसंग की जो S23 सीरीज है उसके लिए आपको 2 से 3 वीक के अंदर अपडेट मिलेगा दिसंबर मंथ के अंदर। तो आपको यहां पर 20 से लेकर 25 दिसंबर तक का वेट करना है अगर आप लोग सैमसंग S23, S23 प्लस, S23 अल्ट्रा इन तीनों में से कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पर यूज कर। तो सैमसंग के जो S22 सीरीज है जिसके अंदर आपको अगेन 3 स्मार्टफोन मिलते हैं उसके लिए इस बार कुछ कंफर्म नहीं है कि आपको बीटा अपडेट है वो मिलेगा या फिर नहीं। अपडेट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है क्योंकि सैमसंग की तरफ से पूरी अपडेट पॉलिसी है उसको यहाँ पर चेंज किया गया है। लास्ट में हम लोग आते हैं सैमसंग की S21 सीरीज के ऊपर, तो इसके लिए 110% कंफर्म है कि इस साल आपको वन यूआई 7 का बीटा अपडेट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और एक न्यूज तो यह भी आ रही है कि आपको जब भी बीटा 1 अपडेट मिल जाएगा उसके 2 महीने बाद में आपको ऑफिशियल अपडेट है वो यहां पर मिलेगा और जो कि जिसकी डेट होगी फरवरी मंथ, तो फरवरी के मिड में या फिर एंड में कभी भी आपको ऑफिशियल अपडेट है वो मिल सकता है सैमसंग की S25 सीरीज के साथ में। तो ये जो चीज है ना वो यहां पर इंटरनल यहां पर सामने निकल के आई है। बाकी आप लोग देख सकते हो कंट्रोल सेंटर का हमें इस प्रकार का लेआउट है वो इस बार देखने को मिलने वाला है और मीडिया प्लेयर का एक नया कॉन्सेप्ट है वो यहां पर सामने निकल के आ चुका है। अब आपको कुछ फीचर्स है ना वो यहां पर दिखाना चाहता हूं। जैसा कि गाइस आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो नीचे की तरफ जो हमें नाउ बार का ऑप्शन देखने को मिलता है उसके अंदर इस प्रकार की एनिमेशन है वो हमें देखने को मिलेगी जिसपे अगर आप लोग मीडिया प्लेयर पे क्लिक करके रखते हो ना तो इस प्रकार का जो लेआउट है वो यहाँ पर मीडिया बड़ा हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग में आपको सुपर फास्ट चार्जिंग का एनिमेशन है वो मिलती है और उसके बाद में म्यूजिक की एनिमेशन है उसके अंदर आप लोग स्विच कर पाओगे। और अब जो आप लोग एनिमेशन देख पा रहे हो वो है कंट्रोल सेंटर की, तो कंट्रोल सेंटर हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा और इसको आप लोग ऊपर नीचे कर पाओगे। कंप्लीट एनिमेशन है वो आप लोग यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आपको ये वाली कैटेगरी कैसी लगी ब्राइटनेस और मीडिया प्लेयर की? नेक्स्ट जो हम लोग एनिमेशन के बारे में बात करते हैं वो है मीडिया प्लेयर की, जो कि आपको अपनी होम स्क्रीन है उसके अंदर दिखाई देगी। हमारा जो स्टेटस बार है उसके अंदर इस प्रकार का लेआउट है ना वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा और जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करके रखोगे कंप्लीट आपके फोन के अंदर लेआउट है ना वो यहाँ पर सामने निकल के आ जाएगा। तो ये फीचर्स आपको कैसे लगे कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हो। फ्यूचर में अगर कोई और नया फीचर है वो सामने निकल के आता है तो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी तो लाइक कर देना और इसी टाइप के काफी सारे और नए फीचर है ना वो मैंने आपके साथ में एक्सप्लेन किए हैं अपनी इस कंप्लीट टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो इसको भी आप लोग आके यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।